चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं, जरूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं, कि जरूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं, और मोहब्बत करने वालों की तजारत भी अनोखी है। हमरा देखा कि मोहब्बत करने वालों की तजारत भी अनोखी है, मुनाफा छोड़ देते हैं, खसारे बांट लेते हैं। आइए मेरी इस बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं जिस एतमाद के साथ जिस शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ, वो आज हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि बैनुल अक्वामी शोहरत रखने वाला शायर, हमारी सरजमीन से उठा, बस्ती जाकर आबाद कर दिया, लेकिन आज हिंदुस्तान और दुनिया के हर हिस्से में बस्ती का नाम फैला रहा है। मेरी मुराद जनाब असद बस्तवी साहब से। आपके मजाज जो आप सुनना चाहते हैं उस वो मैं समझ चुका हूँ, इसीलिए मैंने आपको आपके सामने असद बस्तवी को पेश किया। एक बार तालियां बजा लें ताकि उन्हें जोश आ जाए, प्लीज़। बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपके रूबरू हूँ बहरिया दौर में। मैं सोच रहा था कि नाते पाक मैंने पढ़ लिया है, अब मुझे कलाम पढ़ने का मौका मिले ना मिले, लेकिन इतना मौका मुझे ज़रूर मिले कि मैं डॉक्टर अलाउद्दीन शेख साहब का शुक्रिया अदा करूँ, जिनकी मोहब्बतें, जिनकी शफ़क़तें, जिनकी दुआएँ हमेशा मेरे सर पर रही हैं। कायदे मिल्लत हमदर्द कौम मिल्लत मोहतरम यूसुफ अब्राहानी साहब बैठे हुए हैं, मैं चार मिसरे उन्हीं के हवाले से पढ़ना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सुलगते और चीखते माहौल में जिस पैगाम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसी हवाले से शेर पढ़ता हूं। लगे मेरा चौथा मिसरा मुकम्मल हो कि मेरे सामने जो एक कौम बैठी हुई है जिंदा कौम है। पेश करता हूँ आलिया ने स्टेज से भी खसूसी तवज्जो का तालिब, पेश करता हूँ खास। एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने, पूरी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान बने। एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने, पूरी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान बने। चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो, चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने, हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। बहुत शुक्रिया हाजिर ग्रामी। चार मिसरे और इसी हवाले से पढ़ना चाहता हूँ, पेश करता हूँ चार मिसरे एक पैगाम के शक्ल में। अल्लाह करे कि ये मैसेज आज के इस मुशायरे से पूरे हिंदुस्तान में पहुँचे। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। बहुत शुक्रिया। आइए एक मतला और चंद शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद आपकी सहमत तमाम मेरे सामने और उसूल बिलाद मुंबई की कई अहम शख्सियात मोहतरम यूसुफ अब्राहानी साहब, निज़ामुद्दीन राइन साहब, तमाम लोग बैठे हुए हैं। पेश कर मतला पढ़ता हूँ बतौर खास।
हम ही अगर न बोले तो जुर्रत करेगा कौन, हम ही अगर न बोले तो जुर्रत करेगा कौन, हम ही अगर न बोले तो जुर्रत करेगा कौन, हम ही अगर न बोले तो जुर्रत करेगा कौन, फिर जुल्म के खिलाफ बगावत करेगा कौन, फिर जुल्म के खिलाफ बगावत करेगा कौन। और ये शेर भी बतौर खास, जा हमने दे दिया तेरी अजमत के वास्ते, 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 इस तरह इस वतन से मोहब्बत करेगा कौन, इस तरह इस वतन से मोहब्बत करेगा कौन, हम ही अगर न बोले तो जुर्रत करेगा कौन। और हाजिर निगरामी, यौम ख्वातीन का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। एक शेर पढ़ता हूँ, मेरे सामने मेरी बहनें तशरीफ रखती हैं, मेरे सामने तमाम वालिदैन तशरीफ रखते हैं। एक शेर आपके तजर्बे से गुजरा होगा, शेर सच्चा लगे तो आप तमाम लोगों की दुआएं और मोहब्बतें मुझ तक पहुंचे। पेश करता हूँ बतौर खास, हम ही अगर न बोले तो जुर्रत करेगा कौन, फिर जुल्म के खिलाफ बगावत करेगा कौन, बेटी को विदा करके मैं ये सोच रहा हूँ, बेटी को विदा करके मैं ये सोच रहा हूँ, बेटी को विदा करके मैं ये सोच रहा हूँ, बेटी को विदा करके मैं ये सोच रहा हूँ, अब घर में मेरे आज से बरकत करेगा कौन, अब घर में मेरे आज से बरकत करेगा कौन, अब घर में मेरे कौन, हम ही अगर न बोले तो जुर्रत करेगा कौन। और ये शेर भी बतौर खास, मेरे तमाम सीनियर शुरा किराम, बड़े हिंदुस्तान के बड़े अजीम शुरा किराम तशरीफ रखते हैं, उनकी दुआएं उनकी मोहब्बतें अगर मुझे मिलती हैं तो यकीन जानिए ये मेरे लिए सनद की हैसियत रखती है। पेश करता हूँ ये शेर भी बतौर खास, निज़ामुद्दीन भाई यूसुफ भाई बतौर खास मुलाज़ा फरमाए, हम ही अगर न बोले तो जुर्रत करेगा कौन, फिर जुल्म के खिलाफ बगावत करेगा कौन, जिसमें कोई भी रात को भूखा न सो सका, जिसमें कोई भी रात को भूखा न सो सका, जिसमें कोई भी रात को भूखा न सो सका, जिसमें कोई भी रात को भूखा न सो सका, हजरत उमर के जैसे हुकूमत करेगा कौन, हजरत उमर के जैसे हुकूमत। बहुत शुक्रिया, मुझे दुआएं नसीब हुई डॉक्टर लाउद्दीन शेख साहब की, अल्लाह सलामत रखे डॉक्टर साहब को। पेश करता हूँ एक मतलब और दो तीन शेर, मुझे हुक्म हुआ है अबरार भाई का, शकील भाई का, तो गज़ल का एक मतलब पढ़ता हूँ। हालांकि मैं जिस हवाले से जाना जाता हूँ मैं बिल्कुल वो शायरी नहीं पढ़ूँगा, क्योंकि ये मुशायरा जो आज का है मुझे इसके तकद्दस का इल्म है, इसकी नूरानियत का इल्म है, तो मैं इसकी नूरानियत पर तेज़ाब छिड़कने का काम बिल्कुल नहीं करूँगा। एक गज़ल का मतलब पढ़ूँगा, दो तीन शेर, उसके बाद अपनी जगह पेश करता हूँ। ये भी सुन्नत है इसको अदा कीजिए,
ये भी सुन्नत है इसको अदा कीजिए, ये भी सुन्नत है इसको अदा कीजिए, ये भी सुन्नत है इसको अदा कीजिए, ये भी सुन्नत है इसको अदा कीजिए, अपने दुश्मन के हक में दुआ कीजिए, अपने दुश्मन के हक में दुआ कीजिए, ये भी सुन्नत है इसको अदा कीजिए। और गजल का ये शेर बतौर खास, भीड़ यूं ही तो साहिल पे होती नहीं, 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 कोई डूबा है शायद पता कीजिए, कोई डूबा है कोई डूबा है शायद पता कीजिए। और आखिरी शेर, आपकी जहमत तमाम, ढेर सारी दुआएं मोहब्बतें देकर मुझे रुखसत करें, पेश करता हूं दरख्वास्त लाल फरमाएं। ये भी सुन्नत है इसको अदा कीजिए, अपने दुश्मन के हक में दुआ कीजिए, हम भी करते हैं समझौता हालात से, 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 आप भी अपने दिल को बड़ा कीजिए, आप भी अपने दिल को बड़ा कीजिए, ये भी सुन्नत है इसको अदा कीजिए, अपने दुश्मन के हक में दुआ कीजिए।